नेक्स्ट है फॉसोरियल अडेप्टेशन. फॉसोरियल का मतलब होता है जो बरोइंग एनिमल्स होते हैं, बरो करने के लिए उनके पास क्या अडेप्टेशन चाहिए. जैसे कि कुछ स्पिनोडॉन्स रेप्टाइल्स हैं, स्पिनोडॉन यूरोमास्टिक, लिजर्ड्स होती हैं जो लिम्बलेस होती हैं, डेजर्ट्स में जो स्नेक्स मिलते हैं, बरोइंग ऑल्स हो गए, मार्सुपियल मोल्स हो गए, डग बिल प्लैटिपस, स्पाइनी एंटीटर, मोल्स, हेजहॉग, ठीक है, रैबिट, ग्राउंड स्क्विरल आपने देखी है, प्रेरी डॉग, ऑटर. तो ये इनमें अडेप्टेशंस क्या होंगी. अब इन्होंने बरो करना है तो इनकी बॉडी फॉर्म कैसी होगी. इनमें लो स्पिंडल लाइक या फ्यूजी फॉर्म छोटी सी बॉडी होगी जो कि अंडरग्राउंड पैसेज में जा सके, ठीक है. तो जो विड्थ होती है उनकी वो शोल्डर्स पे ज़्यादा होगी और वहीं पे स्ट्रेंथनिंग होगी क्योंकि इन्होंने बरो करके, पेक्टोरल गर्डल इनको स्ट्रांग चाहिए क्योंकि इन्होंने वहाँ से बरो करके जाना है, ठीक है. कईयों में जैसे स्नेक्स हो गए, इनके अंदर सिलेंड्रिकल लिम्बलेस बॉडी होती है क्योंकि लिम्ब्स अगर स्नेक्स में होती तो वो उसको हिंडर करेंगी. टेल जो होती है, टेल नॉर्मली शॉर्ट होगी क्योंकि अगर लंबी टेल होगी तो वो अंडरग्राउंड जाने में उनको दिक्कत करेगी, ठीक है. आइज़ की जो है, आइज़ जो है अब इन्होंने वेस्टिजियल हो जाती हैं क्योंकि इन्होंने तो डार्क में रहना है, बरोज में रहना है. तो डिग्री ऑफ रिडक्शन, आई रिडक्शन डिपेंड करता है कि किस तरीके की लाइफ है. उस पर ईयर्स में क्या होगा, तो एक्सटर्नल ईयर्स जो हैं वो ऑब्वियसली डिसअपियर होंगे क्योंकि अगर वो प्रेजेंट होते तो वो उनको उल्टा हार्म करते, ठीक है. तो और ऊपर से जो पिन्ना है वो जगह ज़्यादा लेते तो उनको बर्विंग में हेल्प करते, और अगर ऑयल में बरिंग करनी होती तो ईयर पिन्ना वहाँ पे भी उनको रिस्ट्रिक्ट करते ही. तो जो इसमें जो ऑटर में जो होते हैं पिन्ने जो होते हैं वो, लेकिन वो बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है, और बाकियों में तो मिसिंग ही रहेंगे. जॉज जो हैं फॉसोरियल फॉर्म्स में वो वीक होंगे और बहुत फीबल, मतलब बहुत वीक मस्कुलेचर रहेगा क्योंकि इनको इतनी ज़्यादा, इन्होंने सिर्फ इंसेक्ट्स वॉर्म्स वगैरह ही खाने होते हैं तो ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं चाहिए होती. अब लिम्ब्स जो आएंगी वो शॉर्ट और स्टाउट होंगी क्योंकि बरो करना है, जितनी लंबी लिम्ब्स होंगी उतना इनको बरो करने में दिक्कत होती, तो इसलिए शॉर्ट एंड स्टाउट लिम्ब्स हो गई हैं इसके अंदर, ठीक है. जो फोर लिम्ब्स होती हैं क्योंकि उसमें डिगिंग करनी है, डिगिंग के लिए क्या चाहिए इनको, डिगिंग के लिए डिगिंग ऑर्गन्स चाहिए, तो क्लॉज होंगे ताकि सॉइल में डिगिंग कर सकें. जो जो फीट होते हैं वो किस तरीके से मॉडिफाइड होते हैं कि जो उन्होंने मिट्टी निकाली है हाथों से बाहर वो उसको वापस लूज कर सकें, बैकवर्ड कर सकें. स्नाउट जो होगा वो स्नाउट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिगिंग करने के लिए है, ठीक है. तो जैसे आगे जो हेड होगा वो स्नाउट में प्रोड्यूस्ड होगा ज़्यादातर, जैसे स्नेक्स में होता है, और ताकि वो डिगिंग में हेल्प कर सके. तो सो दैट्स ऑल अबाउट फॉसोरियल अडेप्टेशंस. अगली आती है स्कैंसोरियल. स्कैंसोरियल मतलब जो एनिमल्स क्लाइंबिंग में जाते हैं, क्लाइंबिंग के लिए क्या अडेप्टेशन है. अब क्लाइंबर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ दीवारों पे और रॉक पे क्लाइंबर्स होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल आर्बोरियल मतलब कि जो कि ग्राउंड पे भी आ सकते हैं और उस पे भी, आर्बोरियल भी, जैसे स्क्विरल होती है, मंकी हो गया, ठीक है. आर्बोरियल मतलब जो ट्रीज पे ही रहते हैं, वो ग्राउंड पे नहीं आते. तो तीन टाइप के होते हैं. और पेड़ों पे भी जो आते हैं वो ब्रांच रनर्स होते हैं जो कि पूरे ब्रांच पे इधर उधर जो है भागते रहते हैं, जैसे कैमेलियन, लेमूर वगैरह हो गए. सस्पेंडेड फॉर्म्स मतलब क्या होती हैं कि ऊपर और नीचे ही मूव करते हैं, डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस, ठीक है. तो इसमें बैट्स हो गए, जैसे बैट्स जो हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं, उल्टे लटके रहते हैं, हेड नीचे रहता है. स्विंगिंग मतलब कि जो ट्री, एक ट्री से दूसरे ट्री में अपनी फोर लिम्स के थ्रू जो है वो बहुत तेज तेज भागते हैं. तो जैसे जो हम बड़े एप्स हो गए, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ये सब हो गए, ये स्विंगिंग में आ गए. तो इन सब के लिए अलग अलग टाइप की अडेप्टेशंस होंगी. तो क्लाइंबिंग के लिए अडेप्टेशंस क्या होंगी, तो सबसे पहले बॉडी की शेप कैसी होनी चाहिए. बॉडी शेप जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है क्लाइंबिंग के लिए. इनको चेस्ट और गर्डल्स बहुत स्ट्रांग चाहिए, पेक्टोरल पेल्विक गर्डल दोनों बहुत स्ट्रांग चाहिए, ठीक है. तो चेस्ट में जैसे मंकी है उसमें रिब्स बहुत ज़्यादा कर्व्ड रिब्स होंगी ताकि वो इजीली जो है पेक्टोरल गर्डल्स को सपोर्ट कर सके. पेक्टोरल गर्डल में जो क्लेविकल्स की बोन्स होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं. पेल्विक गर्डल में जो इलिया स्टियम होगा वो भी बहुत स्ट्रांग होगा ताकि वो इजीली मूव कर सके. लिम्ब्स जो हैं, अब जैसे मंकी है तो उसकी जो लिम्ब्स होंगी, तो लिम्ब्स इसमें कैसी रहेंगी. अब जैसे मंकी है उसकी लिम्ब्स जो हैं वो आपने देखी होंगी, लॉन्ग रहेंगी और सस्पेंडेड, जैसे नीचे को ढिलकी होती हैं, स्विंगिंग फॉर्म में रहेंगी. लेंथ जो है वो कैसे हो गई, क्योंकि जो प्रॉक्सिमल जैसे हमारी ह्यूमरस है वो बहुत लंबी हो गई ताकि वो इजीली स्विंग कर सके, पेड़ों से इधर उधर ट्रैवल कर सके. उसी तरीके से जो फीट होंगे क्लाइंबिंग एनिमल्स के, जो पैर होते हैं, जो फीट होते हैं, वो प्लांटीग्रेड होते हैं. तो प्लांटीग्रेड मैंने आपको बताया वो ऐसे करके होंगे, पाँचों के थ्रू होंगे. और दूसरी बात, इनके पास
प्रीहेंसाइल होंगे या नॉन प्रीहेंसाइल, नॉन प्रीहेंसाइल मतलब मुड़ सकते हैं, ठीक है। फीट जो हैं नॉन प्रीहेंसाइल मतलब जो इस तरीके के होंगे उनमें क्लॉज होंगे या पैड्स होंगे ताकि वो चिपक सकें, जब वो चिपकें क्लिंग करें तो वो चिपक सकें वहाँ पे, जैसे स्क्विरल्स हो गई, स्लॉथ्स हो गए, इन कैट्स हो गई जो इनमें क्लॉज होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ट्री फ्रॉग होते हैं, जो फ्रॉग ट्रीज पे रहते हैं, गेकोज हो गई, इनमें पैड्स होते हैं, चिपक जाते हैं, पैड्स के थ्रू चिपक जाते हैं। जैसे हमने फ्लाइंग फ्रॉग किया तो उसमें हमने एडहेसिव पैड्स किए हैं ताकि डिजिट्स, ताकि वो जब वो स्टिकी सिक्रीशन होती है पेट से चिपक जाता है, ठीक है। और ये एडहेशन पैड्स का ही बताया हुआ तुम्हें। और उसके बाद जो हमारे पास जो प्रीहेंसाइल फिट होते हैं, जैसे कैमिलियन, जो कैमिलियन को हम क्या कहते हैं, जो कलर चेंज करता है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे उसका, पैरट, वुडपेकर, कुकू, ओपोसम जो ये हो गए, इनके प्रीहेंसाइल होते हैं, इनमें कोई वो नहीं होता, कुछ पैड या स्टिकी सिक्रीशन नहीं होती, ये फोल्ड हो जाते हैं। तो कैमिलियन जो होता है, इसके जो हाथ होते हैं उसमें जो अंदर की 3 फिंगर्स होती हैं वो फ्यूज्ड होती हैं, एक ग्रुप बनाती हैं, और बाहर की जो 2 फिंगर्स हैं वो अलग ग्रुप बनाती हैं, तो 3 और 2 का ग्रुप बनता है इसमें ग्रैप करने के लिए, ठीक है। और जो फुट होता है, जो पैर होते हैं, तो उसके अंदर के जो टोज होते हैं वो यूनाइट होते हैं, अंदर का ग्रुप बनाते हैं, और बाहर के जैसे हमारे 5 इकट्ठे हैं, इसमें ग्रुप्स बनाए होते हैं 3 और 2 के, ठीक है। तो ये जो ग्रुप्स और हैंड और फीट के होते हैं ये अपोजिंग होते हैं एक दूसरे के, मतलब 3 आगे और 2 पीछे, ताकि ग्रैप, ताकि जैसे पेड़ की टहनी पे बैठा है तो उसको पकड़ सके, ठीक है, तभी बैठ पाएगा ना। तो इसको हम बोलते हैं सिंडेक्टाइली बोलते हैं, 3 और 2 का अगर कॉम्पोजिशन होता है तो उसको हम सिंडेक्टाइली बोलते हैं। लेकिन जैसे पैरट हो गया, वुडपैकर हो गई, कुकू हो गई, तो इसमें 1st और 4th टो जो होते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं और 2nd और 3rd आगे की तरफ होते हैं, और जो 5th होता है वो एबसेंट होता है बर्ड्स में, तो इसको हम जाइगोटेक्टाइली कहते हैं, ठीक है, ताकि इसको वो पर्च कर सके, ट्री की बाग पे बैठ सके। ये देखो, ये वुडपैकर का हो गया, 1st और 4th एक तरफ, 2nd और 3rd एक तरफ, हमारे 5 एक तरफ होते हैं, इसमें 2 आगे 2 पीछे ताकि पेड़ की टहनी को पकड़ सकें, और जो उधर थे कैमिलियन में 2, 3 और 2 का कॉम्पोजिशन होता है। ओपोसम और कोआला के अंदर क्या होता है कि जो हैलक्स होता है, जो ये वाला हैलक्स जो होता है, जो पैर का जो टो होता है, ग्रेट टो जो होता है, वो ऑपोजिट चलता है, एक टो अलग होता है, बाकी 4 जो है वो इकट्ठे होते हैं, तो ग्रिप बनाने के लिए पेड़ की टहनी में। तो जो प्राइमेट्स होते हैं, जो मंकीज हो गए, तो हॉलेक्स और हैलक्स क्या होता है, हमारा पैर का जो अंगूठा होता है उसको हम हैलक्स बोलते हैं, और जो पोलेक्स होता है वो हाथ का अंगूठे को हम पोलेक्स बोलते हैं। तो मंकीज एप्स में क्या होगा, हैलक्स और पोलक्स अपोजिबल होते हैं, वो अलग होते हैं, और बाकी टोज जो होते हैं वो अलग होते हैं, तो हमारे में अपोजिबल नहीं है ये चीज़ें, ठीक है। अगली मॉडिफिकेशन होती है टेल की। अब जैसे मंकीज में टेल जो है प्रीहेंसाइल है, अब जैसे मंकीज देखे होंगे आपने, तो उनकी जो टेल होती है ना वो 5th हैंड की तरह काम करती है, तो टेल भी जो होती है वो पूरी टहनी के ऊपर पूरी लिपट जाती है, तो इसको बोलते हैं, तो टेल की मॉडिफिकेशन भी होती है इनके अंदर, प्रीहेंसाइल टेल बोलते हैं इसको, जो कि कॉयल हो सकती है ब्रांचेस के अराउंड और 5th हैंड की तरह काम करेगी। लेकिन जो फ्लाइंग स्क्विरल वगैरह होगी उनमें टेल प्रीहेंसाइल नहीं होती है। एंड लास्टली कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स कई एनिमल्स में होते हैं, जैसे कि हुक्ड बीक होती है पैरट के अंदर, स्पाइंस होते हैं, ट्यूबरकल्स होते हैं लेमूर्स के अंदर, कुछ फेदर्स जो होते हैं वुडपैकर में, वो एडिशनल हेल्प करते हैं क्लिंग करने के लिए। तो बेसिकली इनमें ऐसे ऑर्गन्स होंगे जिनमें कि ये क्लिंग हो सके पेड़ों के ऊपर, जहाँ पे भी इन्होंने क्लिंग करना है।